कितने सारे घूम रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से एक भी पास आ जाता ना तो फिर मैं सच बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मज़ा गेम्स गेमिंग चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एकदम स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सामने लिखा है रैम्पेज यूनाइटेड एंड यहाँ पर 17/6/4/7 कुछ पता नहीं, डेट जैसा कुछ तो लिखा है, नहीं है अभी। इसमें गो क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो गो में तो हम लोग क्लिक करके देखते हैं। एंड यार, जैसा कि आपको पता है कि सब कुछ लॉक है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ यार ऐसा ही होता है हर समय यार। हम लोग गेम खेलने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं एंड ये सब जो वगैरह वगैरह न्यूज़ आते रहता है इन सब के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर अभी फ़िलहाल हमको क्या करना है पता है, सेकंड वाले में गो करके देखते हैं। भाई दोनों में एक ही है क्या? दोनों का भाई सेम ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। नहीं लिया, ये बस एक नया S28 सीज़न है। 16/6 मतलब कि 16 जून से लेकर 5/8/2022। आठ मतलब कौन सा महीना होता है, फटाक से बोलो। आठ मतलब होता है अगस्त। ठीक है, हमको सिखा दिया है। मतलब कि ये जो अभी सैटरडे और संडे निकल गया ना, तो इन दोनों दिन मेरे वीडियोस क्यों नहीं आए? तो सैटरडे, जैसा कि आप जानते हैं कि नेस्ट का एग्जाम था, तो जैसा कि मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूँ तो मैं नेस्ट का एग्जाम देने गया था आउट ऑफ स्टेशन, तो फिर उसके वजह से नहीं आ पाया। एंड संडे की बात, संडे में मैं क्या कौन सा एक्सक्यूज मारूं? सैटरडे मेरा एग्जाम था एंड उसके बाद मैं थोड़ा टायर्ड था, मैं घर पहुंचा 3 बजे। यार जो यात्रा था उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, किंतु मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। मैं बस से गया एंड फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ मेरा एग्ज़ाम, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैं फिर बस से आ गया, वापस घर वापस आ गया। बस इतना ही कहानी था, पर जो था ना मैं थोड़ा टायर्ड हो गया था। बस मैं बैठ बैठ के लोगों के बीच में बाहर का हवा लगने से हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, मतलब हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। ये पहाड़ का एक्सटेंशन है क्या? पहाड़ का मतलब पहाड़ से कुछ एक्सटेंड बाहर निकला हुआ है एंड उसके ऊपर ये घर बना हुआ है। ये एक पहाड़ टोटली, ये पत्थर के ऊपर ये पूरा घर बना हुआ है। ऐसा ही घर मैं भी चाहता था, मेरा भी एक हो जो कि धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए, ये हो जो कि बहुत ही बड़े से एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ हो। एंड यार किसी के लिए भी पहुँचना अलग हो, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो। पहाड़ से नीचे उतरने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर रह रहे के हम बहुत सारे जन को ईजिली मार सकते हैं। अच्छा लगेगा। अभी रिसेंटली पता है मैंने ये जो इस टाइप का एक बंदूक है ना, ये जो देख पा रहे हो ना इस टाइप का बंदूक सिद्धू मूसेवाला को पहचानते हो तुम लोग? अगर नहीं पहचानते हो तो जाओ देखो, सर्च करो यूट्यूब में, गूगल में, जहाँ पर भी हो। तो सिद्धू मूसेवाला के पास भी यार, मतलब वो भी, मतलब वो सिंगर है बट यार उसे गन कल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था एंड यार वो ऐसा बंदूक चला रहा था, मैं एक शॉर्ट्स में देखा था। किसे गल दा गरूर कोई ना, जदों तुरा लोकी खड़ देख दे, तुरा लोकी खड़ देख दे, मूसे आला मशहूर देखा था। तो इससे उसकी याद आ गई, बस ये बताना चाहता था मैं। एक सेम टू सेम ऐसा ही, सामने देखो दो स्टैंड टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो इसी टाइप का कुछ वो भी चला रहे थे एंड मेरे को ये देखकर उनकी याद आ गई, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने एक जन को स्पॉट किया है बट यार जो है ना सेफ जोन बहुत ही स्पीड में श्रिंक कर रहा है एंड यार मेरे को जो है ना मैप के अनुसार एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो फिर जो है ना मैं इजीली पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में ऐसे जाते रहा तो मैं गिर भी सकता हूं नीचे, पता नहीं इतने स्लैंटिंग में भी मैं कैसे चल रहा हूं। यार ये गेम को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहिए था यार, थोड़ा टाइम लेता, थोड़ा सोचता। इतना बचकाना गेम कौन बनाता है, इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को। ये कौन सा बंदूक है इसको तुम कमेंट में बताओ, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे कोई है, ओ भाई साहब यार क्या जूम है यार, ओ भाई एक बार में इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैप को और चारों बाजू देखते हुए हम लोग चल रहे हैं ताकि कोई भी हमारे पास में ना आ पाए। एंड यार यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक जन को दिखा रहा है भाई, मुझे उसके ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूर से ही दिख जाएगा। हाँ यार दो लोग अटके हैं, ओ भाई साहब एक मर चुका है उनमें से एंड यार मैं दूसरे को टारगेट करता हूँ। यार ये कितनी अजीब बात है ना, दो लोग लड़ रहे हैं एंड यार उसमें मैं भी लड़ रहा हूँ। मतलब यार तुम सोच के देखो कि वो सोच रहा है कि उसके लिए अपोनेंट बस वही है, उस वक्त उसके लिए बस वही शत्रु है, बट यार
पीछे से तो यार मैं भी अटैक कर रहा हूँ ना, तो उसको मेरे बारे में मतलब पता ही नहीं है। ओ भाई साहब यार, इसको भी मार दिया, बट यार फिलहाल अभी मेरे पीछे एक जन है जैसा कि मैंने मैप में देखा है। ओ भाई साहब यार, उसने हमको देख लिया था बट हमने उसको ख़त्म कर दिया उससे पहले। एंड यार भाई साहब कौन मार रहा है? भाई साहब यार फटाफट रिपेयर करना पड़ेगा यार, ऊपर से मार रहा है। हाँ यार भाई साहब यार पूरा जीवन कैसे ख़त्म हो गया यार, मतलब यार कहाँ पे चला गया? यहाँ पे तो था यार, मैप में तो दिखा रहा था कि मेरे पास में ही है। अच्छा 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 पास में ही है यार, पास में ही है, कहीं आसपास ही घूम रहा है। अच्छा अरे भाई ये बीच बीच में लेट क्यों जाता है यार? वहाँ पे जो ड्रॉप है ना, बहुत ही अलग सा लाइट निकल रहा है। मैं अपना जो है फेस कैम को हटाता हूँ तो तुम लोग देख पाओगे। ये ध्यान से देखो यार, मतलब क्या एकदम पूरा स्पाइरल जैसा कुछ निकल रहा है ना उसके अंदर से। अच्छा अब ठीक है, अब तुम लोग देख पा रहे होगे, तो कुछ स्पाइरल जैसा निकल रहा है ना उसके अंदर से। भाई साहब यार एंड यार, आदमी हर अट्रैक्टिव चीज़ के तरफ अट्रैक्ट होता है, ये भी अट्रैक्ट हुआ है। एंड यार बहुत सारे कीड़े इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं जैसा कि तुम लोग मैप में देख सकते हो। अब इसका भी अंतिम वक्त आ चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। डर सबसे ज़्यादा तब लगता है जब तुम्हें कोई मार रहा होता है एंड तुम उसको स्पॉट भी नहीं कर पा रहे होते हो, उस वक्त सबसे बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी जो है कमते जा रहा होता है एंड यार तुम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुमको पता नहीं है तुमको कहाँ से मार रहा है। चार पांच बंदे यार, पांच बंदे एक जगह पे इसको लेकर यार, पांच बंदे एक जगह पे यार, मरेगा मैं बता रहा हूँ मरेगा यार। फालतू में यार क्यों यार कोशिश कर रहा था यार, तो ये प्रो भी हो सकता है वो, मतलब जो जिनको अपने आप पे ओवर विश्वास होता है ना एंड वो करके भी दिखाते हैं बस ओवर विश्वास। एंड बाकी सबको पता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली डर जाते हैं। मुझे जैसा लगता है ना ये बुआ भी हो सकता है क्योंकि यार जो है ना सेफ जोन। हाँ एक लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।